बात करेंगे मवेशी मंडियों की। सात मकामात के अलावा जानवर फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई होगी। गैर कानूनी मवेशी मंडियां कायम करने पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। तफसीलात जान लेते हैं इमरान मलिक से। इमरान बताइएगा कौन से सात मकामात हैं ये? अजीम राना, बिल्कुल, सात मकामात में गवर्नमेंट एम्प्लाइज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, शाहपुर कांजरा है, उस्मान गनी और सगियां आउट एंड अकाउंट सोसाइटी है, इसके साथ साथ लखुडेर और पीएस हाउसिंग सोसाइटी में मंडियां लगाई गई हैं। और ये सात मकामात हैं जहां पर दफा 144 नाफिस नहीं है, जबकि इसके अलावा शहर के तमाम चौकिंग तमाम पॉइंट्स पर इस वक्त दफा 144 नाफिस है। यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं बिक सकेगा। मुकर्रर करदा जगहों के अलावा दीगर मकामात पर कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने पर एक दफा 144 नाफिस की गई है। 144 जो है वो 25 अगस्त तक नाफिजुल अमल में रहेगी। डीसी लाहौर की दफा 144 पर सख्ती से अमल करा दरामद करने की हदायत की गई है। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने के हदायत की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम तौर मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन के जो है अफसरान और जिले गवर्नमेंट के साथ मुआवनत करेंगे और तमाम हर जगह पर जो भी जहां जहां पर भी गैर कानूनी पॉइंट लगे हुए हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और फौरी तौर पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इमरान मलिक।